हम बात कर रहे हैं NMDC की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो 2% के ऊपर के अपसाइड के साथ स्टॉक में क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। इससे पहले हम देख सकते हैं स्टॉक ने हमको बड़ी गिरावट दिखाई थी। 196 के लेवल से स्टॉक ने सपोर्ट लेकर बाउंस बैक किया है। एक जंप आया है 215-216 तक का, वहाँ से अगेन स्टॉक ने रिजेक्शन लिया है। लेकिन इस गिरावट के साथ हम देख सकते हैं स्टॉक ने ये जो लो था उसको ब्रेक डाउन नहीं किया, इसके ऊपर से सपोर्ट लेके बाउंस बैक हुआ है। और बाउंस बैक के साथ हम चार्ट पैटर्न की तरफ देखें, जब बाउंस बैक हुआ है तो हमको चार्ट पैटर्न क्लियर नज़र आ रहा है कि जंप आ रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, अगेन जंप के साथ हाई ब्रेकआउट, अगेन ब्रेक डाउन, अगेन जंप के साथ हाई ब्रेक डाउन। यहाँ से अभी ब्रेक डाउन लिया है, जंप के साथ स्टॉक अपने हाई को ब्रेकआउट दे सकता है। जब गिरावट आई थी तो स्टॉक में छोटी मोटी रिकवरी के साथ ही क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। अपने इस हाई के आसपास ही स्टॉक ने क्लोजिंग दिखाई है। आने वाले ट्रेडिंग डे में हमको ये जो हाई है इसका ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आ सकता है। बात करें सपोर्ट लेवल की, 214 इमीडिएट सपोर्ट लेवल रहेगा 214 का। इसको ब्रेक डाउन कर जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट 210 का लेवल, और स्टॉक जब तक इस लो के ऊपर है यानी 200 के ऊपर है बड़ी गिरावट नज़र आना मुश्किल है। हमको नज़र रखना है इस हाई पर 218 के लेवल पे। जैसे ही 218 का लेवल ब्रेकआउट होगा नेक्स्ट टारगेट देखने के लिए मिलेगा 220 का लेवल, और 220 के ब्रेकआउट के बाद 224 तक का जंप हमको देखने के लिए मिल सकता है। 224 का लेवल ब्रेकआउट कर गया तो वैसे कंडीशन में हमको 230 से लेके 240 तक के भी टारगेट शॉर्ट टर्म में ही NMDC दिखा सकता है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। वीडियो जो एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई बाय और सेल की सलाह नहीं है।